स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द अव्वल एकेडमी ऑफ एजुकेशन। जिस आप अपने पिछले वीडियो PCS दे प्रीलिमिनरी राउंड बारे डिस्कशंस किए सी। इस वीडियो आप मेन्स के उपर चानना पावांगे मेन्स के सिलेबस से मैक्सिमम मार्क्स किन्ने, राइट। तो ये अपने सत्त पेपर हो गए। वो सबसे पहला होएगा पंजाबी, जो कि कंपलसरी है और उसका लैवल रहेगा 10+2 की स्टडी तक का, ठीक है। ये मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100। ईजी है, नो प्रॉब्लम। थोड़ा जहा ध्यान दोगे तो तुम इस पेपर को ईजीली क्वालीफाई कर, सिर्फ क्वालीफाइंग होंगे है। दूजा हो गया इंग्लिश, 10+2 स्टैंडर्ड होएगा, ये भी मैक्सिमम मार्क्स 100, ठीक है। उस तो बाद आ जाता अपना एसे का पेपर, जिदे तुसी एसे लेख लिखने होंगे पंजाबी या इंग्लिश। तो ये मैक्सिमम मार्क्स हो गए 150। उस तो बाद अपना जनरल स्टडी का पहला जो पेपर है GS1, उदे च हिस्ट्री, ज्योग्राफी ते सोसाइटी बारे तुहानू स्टडीज़ करनी पैनी है। उदा मैक्सिमम स्कोर होएगा 250। जनरल स्टडी 2 च आ जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी 250 नंबर का होएगा। जनरल स्टडी 3 का पेपर जो है वो ये आएगी इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज, ये भी 250 नंबर का, 250 नंबर का। चौथा जो पेपर हो गया जनरल स्टडी का वो हो गया जनरल स्टडी 4, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, वातावरण वाले स्टडीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये थोड़ा एनालिटिकल पोर्शन हो गया, मतलब थोड़ी रीजनिंग भी आ जाती है, थोड़ा जा एनालिसिस दे उपर बेस्ड है, राइट। कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये वो जज करते हैं। ये पेपर आएगा थोड़ा, ये भी 250 मार्क्स का है। तो टोटल जो है ये मेन्स दे 1350 नंबर हो गए। ये फाइनल जो सिलेक्शन होगी इंटरव्यू इनकलूड करके होएगी, जिन्हें बच्चों का मेन्स क्लियर हो जाएगा वो इंटरव्यू का 150 नंबर रखे ने। तो टोटल जो मेरिट बनेगी वो बनेगी 1500 नंबर, ठीक है जी। लास्ट राउंड इंटरव्यू क्लीयर करन तो बाद हूँ ये जो टाइम होएगा हरेक पेपर का, टाइम अलॉटेड इज 3 आवर्स, ठीक है। और क्वेश्चन लैंग्वेज जो है पंजाबी एंड इंग्लिश होएगी क्वेश्चन पेपर्स, और तुसी अपना जो आंसर है जो तुसी मीडियम ऑप्ट करोगे पंजाबी दा, पंजाबी च क्वेश्चन तुहानू दिते जाणगे, क्वेश्चन पेपर पंजाबी च आणगे। ते जो तुसी आंसर राइट करोगे पंजाबी च, उहदे च अगर कोई टैक्निकल टर्म आंदी है तो उसनू इंग्लिश पंजाबी च लिखने तो बाद ब्रैकेट च इंग्लिश च लिखना पएगा, ठीक है, ब्रैकेट विच पंजाबी तो अलावा, राइट। हूँ इसका सिलेबस भी बहुत वास्ट है, सिलेबस नू देखते हुए, टाइम नू देखते हुए, तो तुहाड़ी जो स्टडीज़ है प्री एंड मेन दोनों नू अगर तुसी कंबाइंड करके चलोगे थोड़ा थोड़ा तो तुहानू मेन की तैयारी च भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जिस तरह के हिस्ट्री का पोर्शन, ज्योग्राफी का, ये सारा पोर्शन जो है ये प्री च भी तुहानू पढ़ना पएगा तो मेन च भी पढ़ना पएगा, ठीक है। तो इसनों कंबाइंड करके चलो। ये जो है चीज़ा जनरल ने, ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया ऐसे वाला, ये दो चीज़ा जनरल हो गई। इन्हों तो अगर तुम 50% भी तैयारी कर लेते हो तो भी क्वालीफाई कर जाओगे, क्योंकि तुम प्लस टू लैवल से यह चीज़ा पढ़िया होंगे ने, उन्हों चो ही थोड़ा घुमा फिरा के तुम मिलेगा। मेन पोर्शन हो गया ऐसे तो लेके इतने तक, ये 1000 नंबर जो है ये तुहानू अगर अच्छी डीप स्टडी करते हो तो तुहानू प्री दे नाल नाल तुहाड़ी मेन की भी तैयारी हो सकती है, अगर थोड़ा दिमाग नाल तुसी चलोगे। और बाकी असी टाइम बाय टाइम तुहानू गाइड करते जावांगे, ठीक है जी। और 150 जो मार्क्स हैं ये इंटरव्यू ने, इट्स एन इंपॉर्टेंट। ये भी दो इंटरव्यू भी बेसिकली क्या है, जो करंट इशूज़ हैं तुहाड़े तैयार हो जाएंगे इस दी तैयारी नाल ही और प्री दी तैयारी नाल ही। बाकी जो तुहाड़ा जो जनरल जो कैरियर बैकअप होएगा उहदे दे उपर क्वेश्चन तुहानू प्रिपेयर करने पैणगे।
राइट। इस दी तैयारी लई मैं तुहानू इही सुजैसट करांगा कि अपने छोटे छोटे नोट्स जो है बनाते जाओ ताकि तुहानू वो प्रीच भी कम देन, मेन च भी ते इंटरव्यू च, खासकर करंट इशूज दे तुसी अपने छोटे छोटे जो है हैंड रिटन नोट्स बनाते जाओ, नाले तुहाडे हाथ नाल लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। जो भी तुसी हाँ सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट जो इहदे च इक गल हो गई वो है मीडियम ऑप्ट करने की, मीडियम उही ऑप्ट करना जिहदे च तुसी फ्लुएंसी होवे, तुहानू भावें पंजाबी होवे भावें इंग्लिश होवे, राइट। क्योंकि तुसी दोनों लैंग्वेजिस पेपर आंसर जो है लिख सकते हो, इंटरव्यू के जवाब भी तुसी दोनों लैंग्वेजिस दे सकते हो, राइट। हुण इस तों इलावा जो है बाकी कोई गल जो आएगी वह असी टाइम बाय टाइम अपने वीडियोस च पाते जावांगे, तुहाडे नाल शेयर करते जावांगे। ईजीली फ्रैश माइंड नाल प्रिपेयर करो, बिना कोई बर्डन रखे हुए, बिना कोई माइंड ते बर्डन रखे हुए अपनी तैयारी कंटिन्यू करो, हौली हौली सिलेबस करना शुरू करो। और मेन है भी तुसी सिटिंग देनी है, रोज़ अपना टाइम फिक्स कर लो हरेक सब्जेक्ट का कि इस दिन मैं एक सब्जेक्ट करने हैं, इस दिन मैं ये करने हैं, राइट। उस टाइम ते तुसी सब तो पहला अपना जो टाइम टेबल बनाओ, अपने प्रति ईमानदार हो, उस टाइम टेबल ते तुसी जो है खरे उतरना है कि मान लो दिन च तुसी पांच या छः घंटे फिक्स किए हैं, तो पांच छः घंटे तुहाडा क्वालिटी वाला जो है स्टडी टाइम होना चाहिदा है बिना किसी डिस्टरबेंस तो, राइट। उस दे उपर खरे उतरो, पहला एक हफ्ते दे टाइम टेबल ते खरे उतरो, फिर दो हफ्ते दे, फिर तीन हफ्ते दे, फिर चार हफ्ते दे, इस तरह करते 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 तुहानू आदत पै जाएगी स्टडीज़ की, ठीक है। जो इस दे उपर खरा उतर गया, जिसने इस नू टाइम विद्या नू टाइम डिवोट करता, स्टडीज़ नू टाइम डिवोट करता, तो वह स्टडीज़ सारी जिंदगी उन्हें फिर जो है फल देगी, सारी जिंदगी रोटी का जुगाड़ बनेगी, राइट। दैन बेस्ट ऑफ लक, अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, होर बच्चों नूं भी इस बारे दसो ताकि वह भी अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकन और किसी भेड़ चाल च आए बगैर। थैंक यू, गुड बाय टिल नैक्सट वीडियो।